मेरे YouTube चैनल My Life My Way पर आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम रीतिकाल के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं, तो आइए देखते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ, कवि और उनका परिचय। सन 1757 विक्रमी संवत के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषता तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था, इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया। इसे आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि काव्य शास्त्र के लिए रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग हुआ था, इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया था। आगे देखते हैं, इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में मिलते हैं। यानी आदि काव्य में जो कृष्ण के श्रृंगारी प्रवृत्तियों का वर्णन हुआ था, उसमें रीति काव्य की जो परंपरा थी उसके स्पष्ट संकेत या निशान बोलेंगे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के काव्य में मिलते थे। इस काल में कई ऐसे कवि हुए हैं जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे। इस युग में श्रृंगार की प्रधानता रही। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा। मुख्यतः कवित्व, सवैये और दोहे इस युग में लिखे गए। राजा महाराजा और आश्रयदाता अब केवल काव्यों को पढ़ और सुनकर ही संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि इस काल में वे स्वयं काव्य रचना करना चाहते थे। इस समय पर कवियों ने आचार्य का कर्तव्य भी निभाया। यानी कई ऐसे आचार्य कवि थे जो राजा महाराजा भी थे। वैसे रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। जैसे कौन से कवि किस राजा के दरबार में थे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वर्णन दिया है, केशवदास ओरछा के दरबार में, प्रताप सिंह चरखारी बिहारी जयपुर आमेर, मतीराम बूंदी के, भूषण पन्ना के, चिंतामणि नागपुर के, देव पिहानी, भिखारी दास प्रतापगढ़ अवध के, रघुनाथ काशी के, बेनी किशनगढ़ के, गंग दिल्ली के, टीकाराम बड़ौदा के, ग्वाल पंजाब के, चंद्रशेखर वाजपेयी पटियाला के, हरनाम कपूरथला के, कुलपति मिश्र जयपुर के, नेवाज पन्ना के, सुरती मिश्र दिल्ली के, कविंद्र उदयनाथ अमेठी के, देसीनाथ काशी के, रतन कवि श्रीनगर गढ़वाल के, बेनी बंदीजन अवध के, बेनी प्रवीण लखनऊ के, ब्रह्मदत्त काशी के, ठाकुर बुंदेलखंडी जैतपुर के, बोधा पन्ना के, गुमान मिश्र पिहानी के आदि और अनेक कवि तो स्वयं राजा ही थे। जैसे महाराज जसवंत सिंह तिरवा के राजा थे, भगवंत राय खिची भूपति रसनिधि दतिया के जमींदार थे, महाराज विश्वनाथ द्विजदेव महाराज मानसी के दरबारी थे। अब देखें हम कि रीतिकाल रचना का आरंभ एक संस्कृतज्ञ ने किया था। ये थे आचार्य केशवदास, जिनकी सर्व प्रसिद्ध रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका हैं। कवि प्रिया में अलंकार और रसिक प्रिया में रस का सुदाहरण निरूपण हुआ है। लक्षण ग्रंथों में और उदाहरण कवित्व सवैये में है। लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की यही परंपरा रीति काव्य में विकसित हुई। रामचंद्रिका केशव का प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सजग कलाकार की प्रखर कला चेतना प्रस्फुटित हुई है। तो रामचंद्रिका प्रबंध काव्य में लिखी गई है, जिसमें एक कलाकार की प्रखर कला चेतना उभर कर सामने आई है। केशव के कई दशक के बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में
हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य की शुरुआत केशव दास से न मानकर चिंतामणि से माना है। उनका कहना है कि केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। यह निसंदेह है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। वे कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्होंने चिंतामणि से ही माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल के कई कवि राजाओं और कई रईसों के आश्रय में रहते थे। वहाँ मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। इस समय वीर काव्य भी लिखा गया। मुगल शासक औरंगजेब की कट्टर सांप्रदायिकता और आक्रामक राजनीति की टकराहट से इस काल में जो विक्षोभ की स्थितियां आई, उनमें कुछ कवियों को वीर काव्य के सृजन की भी प्रेरणा मिली। ऐसे कवियों में भूषण प्रमुख हैं, जिन्होंने रीति शैली को अपनाते हुए भी वीरों के पराक्रम का ओजस्वी वर्णन किया था। भूषण के काव्य और उनका परिचय हम अंत में पढ़ते हैं। इस समय नीति, वैराग्य और भक्ति से संबंधित काव्य भी लिखा गया था। अनेक प्रबंध काव्य भी निर्मित हुए थे, यानी सिर्फ प्रेम मूलक या प्रेम आश्रित काव्य नहीं लिखे गए, राजाओं को सिर्फ लुभाने वाले काव्य नहीं लिखे गए, बल्कि कुछ एक कवि ऐसे हुए थे जिनमें भूषण प्रमुख थे, जिन्होंने वीर काव्य लिखा था। संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित शास्त्रीय चर्चा का अनुसरण मात्र इनमें अधिक है, पर कुछ ने थोड़ी मौलिकता भी दिखाई है, जैसे भिखारी दास का हिंदी छंदों का निरूपण। दूसरा वर्ग रीति सिद्ध कवियों का है। रीति काव्य मुख्यतः मांसल श्रृंगार का काव्य है। इसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ है। अधिक काव्य मुक्तक शैली में है, पर प्रबंध काव्य भी है। इन 200 वर्षों में श्रृंगार काव्य का अपूर्व उत्कर्ष हुआ, पर धीरे धीरे रीति की जगह बढ़ती गई और हिंदी काव्य का भाव क्षेत्र संकीर्ण होता गया। इस तरह इस काल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध कवि के बारे में हम देख लेते हैं। रीतिबद्ध कवियों के बारे में हम देखते हैं। रीति काल में रीति तत्व की प्रधानता रही और कवियों ने काव्यांग निरूपण की ओर अधिक ध्यान दिया। लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले इन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया। तो जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। संक्षेप में रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे उनके काव्य की क्या विशेषताएं होती थी। उनमें होता था रीति निरूपण, आचार्यत्व का अभाव, मौलिकता का अभाव, श्रृंगारिकता, अलंकार विवेचन की प्रमुखता, छंद विवेचन, शास्त्रीय परंपरा, स्वच्छंद संयम प्रेम का अभाव। वहाँ पर स्वच्छंद प्रेम प्रकट हुआ है और प्रेम के संयम रूप का अभाव था। सौंदर्य का चित्रण बढ़ा चढ़ाकर होता था और उनकी भाषा बद्ध होती थी, उनकी भाषा अलंकार बद्ध होती थी। अब हम देखते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों की रचना की और न ही लक्षण ग्रंथों की रीति से बंधकर अपनी रचनाएं की। तो रीति मुक्त कवि वे हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथों से मुक्त रचनाएं की। इस प्रकार रीतिकालीन कविता के दौर में भी ये लोग परंपरागत शैली से हटकर स्वच्छंद रूप से रचना करते रहे। रीति काल में एक ओर तो रीति का अनुपालन करने वाले कवि थे जो लक्षणों के अनुसार नख सिख वर्णन में लगे हुए थे, वहीं इसके विपरीत रीतिमुक्त कवियों ने संस्कृत साहित्य से सुंदरी के लक्षण न लेकर प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लौकिक रूप को महत्व दिया, और भारतीय पद्धति में एक नई चीज के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। यानी रीतिबद्ध कवि ज़्यादातर रचनाएँ लक्षणों के अनुसार करते थे और नख सिख के वर्णन में लगे हुए थे, जबकि रीति मुक्त कवि सुंदरी के लक्षण से मुक्त अपनी रचनाएं करते थे और लौकिक रूप को महत्व देते थे। अब इस काल के
कुछ कवि मुख्य हैं जो रीति मुक्त थे, जैसे आलम, इनकी रचना आलम के लिए थी, घनानंद, इनकी रचना सुजान हित प्रबंध, स्कलता प्रीति प्रवास, कृपानंद निबंध इत्यादि, बोधा विरह बारिश, इश्कनामा ठाकुर के, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। द्विजदेव एक अन्य कवि है जो रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में गिना जाता है इन्हें भी। अब रीति सिद्ध हम देख लेते हैं। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से तो अबद्ध था, लेकिन वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े। यानी रीति सिद्ध कवि वे थे जो शास्त्रीय ज्ञान से जिनका काव्य भरपूर था, लेकिन लक्षणों के चक्कर में ये नहीं पड़े। वे इनकी रचनाएं, इनके काव्य उससे मुक्त होते थे। इन्हें काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था और इनके काव्य पर काव्य शास्त्रीय छाप भी थी। रीति सिद्ध कवियों में सर्वप्रथम कवि का जिसका नाम लिया जाता है वह है बिहारी। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। बिहारी की एक ही रचना मिलती है जिसका नाम है बिहारी सतसई। सतसई का शाब्दिक अर्थ है 700 सप्तशती, तो बिहारी सतसई में 700 दोहे होने के कारण इसका नाम सतसई रखा गया था। अब हम भूषण का जीवन परिचय देख लेते हैं। कविवर भूषण का जीवन परिचय यह है कि वह जाति के तिवारी ब्राह्मण परिवार से थे। उनका जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, परंतु संजेती कस्बा में एक कवि भूषण जी का एक परिवार रहता है जो इस बात का दावा करता है कि वो ही कवि भूषण के वंशज है। वह टिकवापुर गांव छोड़कर अंग्रेजों के ज़माने में उनके पूर्वज यहां आकर संजेती कस्बा में बस गए थे और उनकी ज़मीनें टिकवापुर गांव में पड़ती हैं। कवि भूषण की बाद की पीढ़ी का सती माता का एक मंदिर टिकवापुर में बना है जिसे यह परिवार अपनी कुलदेवी मानता है। वह हर छोटे मोटे त्यौहार में उसकी पूजा अर्चना करता है। अब हम देखते हैं भूषण का जन्म संवत 1670 यानी 1613 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, वे चंडीसा राव थे। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह ने दी थी। इनकी रचनाएं अब हम देख लेते हैं। विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दुष्णोल्लासा, परंतु इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में शिवाजी के गुणों का वर्णन किया गया है। इनकी काव्यगत विशेषताएं हम देखें। रीति युग था पर भूषण ने वीर रस में कविता रची थी। उनके काव्य की मूल संवेदना वीर प्रशस्ति, जातीय गौरव तथा शौर्य वर्णन है। निरीह हिंदू जनता अत्याचारों से पीड़ित थी। भूषण ने इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई तथा निराश हिंदू जन समुदाय को आशा का संबल प्रदान कर उसे संघर्ष के लिए उत्साहित किया। इन्होंने अपने काव्य नायक शिवाजी व छत्रसाल को चुना था। शिवाजी की वीरता के विषय में भूषण लिखते हैं, भूषण भनत महावरी बलकन लाग्यो, सारी पातशाही की उड़ाए गए जियरे। यहाँ पर भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है। युद्ध के उत्साह से युक्त सेनाओं का रण प्रस्थान, युद्ध के बाजों का घोर गर्जन, रणभूमि में हथियारों का घात प्रतिघात, शूरवीरों का पराक्रम और कायरों की भयपूर्ण स्थिति आदि दृश्यों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की। वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। वीर रस के अनुकूल उनकी ब्रजभाषा में सर्वत्र ही आज के दर्शन होते हैं। भूषण की ब्रजभाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं के शब्दों की भरमार। भूषण की छंद योजना रस के अनुकूल है। उनकी शैली अपने विषय के अनुकूल है, वह ओजपूर्ण है और वीर रस की व्यंजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। रीतिकालीन कवियों की भांति भूषण ने अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया है। उनकी कविता में प्रायः सभी अलंकार पाए जाते हैं। अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों को प्रधानता मिली है। अब हम देख लेते हैं भूषण की राष्ट्रीय चेतना। भूषण राष्ट्रीय भावों के गायक हैं। उनकी वाणी पीड़ित राजा के प्रति एक अपूर्व आश्वासन है। इनका समय वह था जब औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब के समय से मुगल वैभव व सत्ता की पकड़ कमजोर होने लगी थी।
औरंगजेब की कठोरता व हिंदुओं के प्रति नफरत ने उसे जनता से दूर कर दिया था। संकट की इस घड़ी में भूषण ने दो राष्ट्रीय पुरुषों शिवाजी व छत्रसाल के माध्यम से पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना संचारित करने का प्रयास किया। भूषण ने तत्कालीन जनता की वाणी को अपनी कविताओं का आधार बनाया है। इन्होंने स्वदेशानुराग, संस्कृति अनुराग, साहित्य अनुराग, महापुरुषों के प्रति अनुराग, उत्साह आदि का वर्णन किया। ये था भूषण का परिचय। और अब हम बिहारी लाल का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। जैसा हमने पढ़ा कि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ये जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनके गुरु नरहरिदास थे और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने निम्नलिखित दोहा लिखकर राजा के पास उसे पहुंचा दिया। यह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधे हो, आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया और वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपने राजकाज को संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहाँ उन्हें पर्याप्त धन और यश दोनों मिला। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है, यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। कई दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं, यानी संदेह है कि यह इनके हैं या नहीं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं, तथापि तनिक विचार पूर्वक बारीकी से देखने पर लगभग 200 दोहे अति उत्कृष्ट ठहरते हैं। सतसई में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा ही उस समय उत्तर भारत के सर्वमान्य तथा सर्व कवि सम्मानित ग्राह्य काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें अनेक रूपता का आ जाना सहज संभव था। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का सतत सफल प्रयास किया और इसे निश्चित साहित्यिक रूप में रख दिया। इसे ब्रजभाषा मंच कर निखर उठी। इस सतसई को 3 प्रमुख भागों में विभक्त कर देख सकते हैं। पहला भाग नीति विषयक, दूसरा भक्ति और तीसरा आध्यात्म भावपरक तथा श्रृंगारपरक। इसमें श्रृंगारकता भाग अधिक है। कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ प्राप्त होता है। श्रृंगारपरक भाग में रूपांग सौंदर्य, सौंदर्यपरक, नायक नायिका भेद तथा हाव भाव विलास का कथन किया गया है। नायक नायिका निरूपण भी मुख्य 3 रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा, इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को ध्यान में रखा गया है, इसलिए इसमें गूढ़ार्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म निहित है। द्वितीय रूप में राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु उनके आभास की प्रदीप्ति दी गई है और कल्पना दर्श रूप रौचर्य रहकर आदर्श चित्र विभिन्न व्यंजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इससे इसमें लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता। और तृतीय रूप में लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्र है। इसमें भी कल्पना कौशल है और कवि परंपरागत आदर्शों का पुट पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। नितांत लौकिक रूप बहुत ही न्यून और बहुत ही कम है, यानी लौकिक रूप का चित्रण बहुत कम हुआ है। सतसई के मुक्तक दोहों को क्रमबद्ध करने के प्रयास किए गए हैं। 25 प्रकार के क्रम कहे जाते हैं और जिसमें से 14 प्रकार के क्रम देखे गए हैं। शेष 11 प्रकार के क्रम जिन टीकाओं में हैं वे प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु कोई निश्चित क्रम नहीं दिया जा सका। वस्तुतः बात यह जान पड़ती है कि ये दोहे समय समय पर मुक्तक रूप में ही रचे गए, फिर चुन चुन कर एकत्र कर संकलित कर दिए गए। केवल मंगलाचरणात्मक दोहों के विषय में भी इसी से विचार विचित्य है। यदि मेरी भववाधा हरो इस दोहे को प्रथम मंगलाचरणात्मक अर्थात केवल राधो पासक होने का विचार स्पष्ट होता है, और यदि
मोर मुकुट कटी काचनी इस दोहे को लें तो केवल एक विशेष बानक वाली कृष्ण मूर्ति ही बिहारी की अभीष्टोपास्य मूर्ति मुख्य ठहरती है। बिहारी वस्तुतः कृष्णोपासक थे, यह स्पष्ट है। सत्य के दिखने से यह स्पष्ट होता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार, चातुर्य चमत्कार तथा कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य और आवश्यक है। उनके दोहों को दो वर्गों में इस प्रकार भी रख सकते हैं। एक वर्ग में वे दोहे आएंगे जिनमें रस रौचिर्य का प्राबल्य है और रसात्मकता का ही विशेष ध्यान रखा गया है। अलंकार चमत्कार इनमें भी है किंतु विशेष प्रधान नहीं है, वरन रस परिपोषकता और भावोत्कर्षता के लिए ही सहायक रूप में यह है। दूसरे वर्ग में वे दोहे हैं जिनमें रसात्मकता को विशेषता नहीं दी गई, वरन अलंकार चमत्कार और वचन चातुरी अथवा कथन कला कौशल को ही प्रधानता दी गई है। किसी विशेष अलंकार को उक्ति वैचित्र के साथ सफलता से निभाया गया है। इस प्रकार देखते हुए भी यह मानना पड़ता है कि अलंकार चमत्कार को कहीं नितांत भुलाया भी नहीं गया। रस को उत्कर्ष देते हुए भी अलंकार कौशल का अपकर्ष भी नहीं होने दिया गया। इस प्रकार कहना चाहिए कि बिहारी रसालंकार सिद्ध कवि थे, रस सिद्ध ही नहीं। फिर भी बिहारी ने उन्हें सरसता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता पाई। भक्ति के हार्दिक भाव बहुत ही कम दोहों में दिखाई पड़ते हैं। समय अवस्था विशेष में बिहारी के भावुक हृदय में भक्ति भावना का उदय हुआ और उसकी अभिव्यक्ति भी हुई। बिहारी में दैन्य भाव का प्राधान्य नहीं, वे प्रभु प्रार्थना करते हैं किंतु अतिहीन होकर नहीं, प्रभु की इच्छा को ही मुख्य मानकर विनय करते हैं। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरुक शतक आदि से मूल भाव लिए हैं। कहीं उन भावों को काट छांट कर सुंदर रूप दिया है, कहीं कुछ उन्नत किया है और कहीं ज्यों का त्यों ही रख दिया है। सौंदर्य यह है कि दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए रखने का सफल प्रयास किया गया है। टीकाएं देखें तो सत्से पर अनेक कवियों और लेखकों ने टीकाएं लिखी। कुल 54 टीकाएं मुख्य रूप से प्राप्त हुई है। रत्नाकर जी की बिहारी रत्नाकर नामक एक अंतिम टीका है, यह सर्वांग सुंदर है। सत्सई के अनुवाद भी संस्कृत आदि में हुए हैं। कतिपय कवियों ने सत्सई के दोहों को स्पष्ट करते हुए कुंडलियां आदि छंदों के द्वारा विशिष्टीकृत किया है। अन्य पूर्वापरवर्ती कवियों के साथ भावसा में भी प्रकट किया गया है। कुछ टीकाएं फारसी और संस्कृत में भी लिखी गई हैं। टीकाकारों ने सत्सई में दोहों के क्रम भी अपने अपने विचार से रखे हैं, साथ ही दोहों की संख्या भी न्यूनाधिक दी गई है। ये नितांत निश्चित नहीं है कि कुल कितने दोहे रचे गए थे। संभव है जो सत्संग में आए वे चुनकर आए हुए कुल 700 से कहीं अधिक रचे गए होंगे। सारे जीवन में बिहारी ने इतने ही दोहे रचे हों यह सर्वथा मान्य नहीं ठहरता। सत्संग पर कई आलोचकों ने अपनी आलोचनाएं भी लिखी है। रीति काव्य से ही इसकी आलोचना चलती आ रही है। प्रथम कवियों ने सत्संग की मार्मिक विशेषता को सांकेतिक रूप से सूचित करते हुए दोहे और छंद लिखे। उर्दू के शायरों ने भी इसी प्रकार किया, जैसे सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगाए घाव कराए गंभीर। तो यहाँ पर मैंने भूषण और बिहारी का परिचय, काव्य और जीवन परिचय दिया। इसके साथ ही हमारा आज का रीति काव्य का परिचय और कवियों का परिचय यह समाप्त होता है। अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह के काव्य परिचय लेकर मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।